नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 2019 में हुई ऑनलाइन एस्टेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, हाईकोर्ट तक मामला गया था। परीक्षार्थियों ने ये कहा था कि ऑनलाइन परीक्षा लेना उचित नहीं था, लेकिन 4 मार्च को ही हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, हरी झंडी दे दी गई थी कि ये परीक्षा सही है और इसका रिजल्ट आएगा। आज शिक्षा मंत्री की स्थिति में इसका रिजल्ट घोषित किया गया है। 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 24,000 से अधिक परीक्षार्थी पास हो पाए हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं, एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट जारी किया है। इस मौके पर संजय कुमार, जो कि अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष है, वो भी उपस्थित रहे। 2 साल बाद एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने कहा कि पेपर 1 में 16,078 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 2019 में एसटीईटी की परीक्षा हुई थी, 2 साल के बाद रिजल्ट जारी हुआ है। कोरोना काल में परीक्षा लेना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और हाईकोर्ट में बीएसईबी ने यही पक्ष भी रखा था कि कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जाम लेना ही उचित था। 15 विषयों में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। पेपर 2 में 8,031 परीक्षार्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि 1,78,000 छात्रों ने इम्तिहान दिया था, जिनमें से 24,599 परीक्षार्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया था, साथ ही ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम घोषित करने को हरी झंडी दे दी थी। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी, उसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट लिस्ट बनाएगी। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भविष्य में एसटीईटी के लिए सिलेबस बनाने का निर्देश दिया है। तो एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो गया है, इस विषय में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। प्रधान सचिव और बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के सर्वे सर्वा हमारे आनंद किशोर जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रंजीत जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, आज का जो मुख्य मकसद है और जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा या उसके मूल बिंदु को हमारे आनंद किशोर जी ने आपको बताया है, ये कई मायने में महत्वपूर्ण है आज का दिन जो है। इसीलिए विशेष रूप से हमने आप सबों को यहाँ आमंत्रित किया है। एक तो ये खास उपलब्धि है, इसलिए कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये कोरोना काल में कोरोना के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनौतीपूर्ण काम लगभग 1,78,000 छात्रों का इम्तिहान लेना, ये अपने आप में चुनौती भरा काम था। और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, इसके लिए हम विभाग की तरफ से आनंद किशोर जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तो एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो गया है। 2019 में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, बखेरा भी बहुत हुआ था, जिसमें परीक्षार्थी कह रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा लेना सही नहीं है। हाईकोर्ट तक गए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को सही करार दिया और आज रिजल्ट जारी हो गया है। 1.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और 24,599 परीक्षार्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं। 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट फिलहाल घोषित हुआ है और नियोजन की जो प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।